शुक्रवार को जिला चिकित्सालय में रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए मरीजों का तांता लगा रहा। इस दौरान इंजेक्शन की कमी होने की जानकारी मिलते ही कुछ मरीजों में हंगामा खड़ा कर दिया। जिला चिकित्सालय में पिछले काफी दिनों से रेबीज के मरीज बढ़ जाने की वजह से रेबीज इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसके कारण दूर दराज से आए मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में रेबीज से पीड़ित सैकड़ों मरीज प्रतिदिन आते हैं, लेकिन जब तक उनका नंबर आता है तब तक इंजेक्शन खत्म हो जाता है और निराश होकर वापस चले जाते हैं। प्रमुख अधीक्षक का कहना है कि पूरे प्रदेश में एक ही कंपनी है जो इंजेक्शन सप्लाई करती है। मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं होने की वजह से यह समस्या बनी रहती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए रेबीज से पीड़ित मरीज और प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, कुमार सिंह। समस्या है हम लोगों को, मैं डार्क बाइट का शिकार हो चुका हूं, उसके वजह से आज मेरे को थर्ड इंजेक्शन लगना था। यहां पर हम लोग सुबह 7:30 बजे से लाइनअप हो रखे हैं। डॉक्टर अभी लास्ट लगभग 15 मिनट पहले डॉक्टर आए हैं, वो भी तब जब हम डायरेक्ट सीएमओ साहब से मिले हैं, ग्रीवेंसेस उधर रखे हैं। और ये प्रतिदिन की समस्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, शहर से भी आते हैं, यहाँ लाइन लगते हैं। 60 या 45 वैक्सीन पर डे का एवरेज आता है लगता है, उसके बाद सेम इतने ही स्ट्रेंथ में लोग वापस चले जाते हैं घरों को। मैं सीएमओ साहब से समस्या बताया हूँ, उनका भी कहना है कि अभी 60 सप्लाई है, लेकिन मेरे को ऐसा यहाँ से बताया गया है कि अगर ये चीज़ डीएम साहब तक पहुँचती है तो शायद जो वैक्सीन आने का जो रेशियो है वो बढ़ सकता है, लोगों की समस्याएँ दूर हो सकती हैं। आप यहाँ पर अभी मिल भी सकते हैं, कुछ ऐसी महिलाएँ हैं कि वो 4-4, 5-5 बार आ चुकी हैं और उनको फर्स्ट इंजेक्शन भी नहीं लग पाया है, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप इस समस्या को एटलीस्ट डीएम साहब तक इसको रिप्रेजेंट करें ताकि समस्या का निदान हो, और ख़ास करके जो गरीब और कमज़ोर तबके के लोग हैं उन लोगों को बार बार इधर आना ना पड़े। बालापार से आए हैं, 100 रुपया भाड़ा लगा कर आते हैं और यहाँ 6 बजे आ जाते हैं, उसके बाद में पर्ची जमा कर देते हैं और फिर पर्ची जमा करने के बाद सुई ख़त्म हो जाती है, वापस चले जाते हैं। हम तीसरा बार आ चुके हैं, नहीं दो बार लगा है, हाँ अब तीसरा बार, दो बार तो घूम गए हैं, ये तीसरा बार है, देखिए क्या होता, लगता है कि नहीं लगता है। अभिमन्यु चौधरी, रेबीज के मरीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं और मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं आ पा रही है। पूरे प्रदेश में ये कई कंपनी है जिसकी आरसी है और जितना हम लोग डिमांड करते हैं उतनी सप्लाई नहीं मिल पाती है। और अभी चिकित्सालय में समाप्त भी हो गया है, जो सप्लाई करने वाली कंपनी से बात करने पर भी जो सप्लाई मिल नहीं पा रही है। अभी आज सीएमओ साहब से कल मांगा गया था तो उन्होंने उपलब्ध करवाया है, आज लगाया जा रहा है। काफ़ी हंगामा आज हुआ है यहाँ पे अस्पताल में, और मरीजों का आरोप तीन चार बार आते हैं, उसके बाद भी उनको लग नहीं पाता है, उपलब्धता नहीं है इसलिए नहीं लग पाता है।